नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में, हाफ में, फुल में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। बॉर्डर बनाने के बाद हम पहली लाइन में 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। जब हम 7 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। शुरुआत में भी 3 फंदा उल्टा है और लास्ट में भी 3 फंदा उल्टा ही आएगा। पीछे से जहाँ सीधा है वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से थर्ड लाइन से डिज़ाइन शुरू होता है। पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा था तो बीच वाला फंदा पहले बुनेंगे, यानी दूसरा फंदा सीधे में का दूसरा फंदा पहले बुनेंगे और पहला फंदा उसके बाद। इसी तरह इधर भी अब 2 फंदा सीधा बुन गया है, अब 2 बचा तो पीछे से सिलाई डाल के दूसरे वाले फंदे में पीछे से सिलाई डाल के एक सीधा फंदा बुनेंगे और उसके बाद तीसरे वाले में, ये चारों फंदे बुन गए। फिर 3 फंदा उल्टा, इसको चाहे तो हम जगह बदल के भी कर सकते हैं, पहले वाले को दूसरे की जगह और दूसरे वाले को पहले की जगह, बीच वाला फंदा ऊपर रहेगा यानी दूसरा फंदा ऊपर रहेगा, दोनों को सीधा बुन देंगे। इसी तरह इधर भी कर लेंगे, तीसरे वाले फंदे को चौथे की जगह और चौथे वाले फंदे को तीसरे की जगह, तीसरा वाला फंदा ऊपर रहेगा, चारों को सीधा बुन देंगे। फिर बीच में उसके बाद 3 फंदा उल्टा, दूसरे वाले फंदे में पहले सिलाई डालेंगे सीधा बुन लेंगे, उसके बाद पहले फंदे में सिलाई डालेंगे सीधा बुनेंगे, पहले चौथे फंदे में सिलाई डाल के एक सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद तीसरे वाले, फिर 3 फंदा उल्टा, दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे पहले इसे सीधा बुनेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को, फिर इधर से चौथे वाले फंदे में 4 सीधे फंदे में से चौथे वाले फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे, इसको सीधा बुन लेंगे, उसके बाद तीसरे वाले फंदे को। ऐसे करने से क्या हुआ, दूसरा और तीसरा एक एक फंदे के आगे और पीछे आ गया, लास्ट में 2 फंदा उल्टा, अंतिम फंदा सीधा। पीछे से पहला फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, फिर 4 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा, फिर 4 फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का ये तीसरा लाइन, पहला फंदा उतार लेंगे या सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा। अब पहले दूसरे वाले फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे में, पहले तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे, उसके बाद चौथे वाले फंदे, यानी ये वापस
अपने स्थान पे आ गया, फिर तीन फंदा उल्टा। पहले दूसरे वाले फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे। दोनों का जगह बदल गया। उसी तरह पहले चौथे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, उसके बाद तीसरे वाले फंदे में। ये वापस घूम के बंद हो गया, फिर तीन फंदा उल्टा। आप चाहें तो जगह बदल के भी बना सकते हैं, चारों फंदों को सीधा बन लेंगे, जगह बदल के भी। तीन फंदा उल्टा, दोनों फंदों का जगह बदल दीजिए। पहला फंदा दूसरे की जगह, दूसरा फंदा पहले की जगह, पहला वाला फंदा ऊपर रह से जाएगा। इसी तरह तीसरा वाला फंदा चौथे की जगह, चौथा वाला फंदा तीसरे की जगह। चारों फंदों को बाएं हाथ की सिलाई में लेंगे और क्रमशः सीधा बुन लेंगे। लास्ट में दो फंदा उल्टा और आखिर फंदा सीधा। पीछे से जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा, और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बनेगा। चार लाइन का ये डिज़ाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को दोहराते रहना है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको रोज़ एक डिज़ाइन नया मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।